जाते। भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए बुखारेस्ट भेजा गया एयर इंडिया का विमान। यूक्रेन से निकाले गए 219 भारतीयों के साथ पहली उड़ान रोमानिया से मुंबई के लिए हुई रवाना। राहुल गांधी ने कांग्रेस के पांडवों से की तुलना, बीजेपी को बताया कौरवों की सेना, कहा जितने नेताओं को ले जाना है ले जाओ। सीएम योगी ने सपा पर साधा निशाना, लोहिया के समाजवाद की सराहना की। योगी ने कहा कि ये जो तथाकथित समाजवादी है सहयोग सबका चाहते हैं, लेकिन इनका नारा है सबका साथ, केवल सफेद खानदान का विकास और ये इससे बाहर सोच ही नहीं सकते। यूक्रेन के आम लोगों ने बंदूकें उठाई, घर छतों और सड़कों पर तैनात, कहीं तो दो रात से सोई नहीं। वहीं बंकर में जन्मी बच्ची को देख कहा उम्मीद जिंदा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। यूपी की राजधानी की सियासत लड़ाई के लिए जैसे जैसे अंतिम चरण के चुनाव के लिए तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे पूर्वांचल में नेताओं का चुनावी दौरा भी तेज हो गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव और जया बच्चन का आज जौनपुर में चुनावी जनसभा थी। जिले के मड़ियाहू विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी सुषमा पटेल के समर्थन में मड़ियाहू नगर के विवेकानंद इंटर कॉलेज मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया गया। वो इसके बाद मछली शहर विधानसभा में भी एक जनसभा को संबोधित किया गया है। चुनावी जनसभा संबोधित करते हुए डिम्पल यादव ने सीएम योगी और बीजेपी सरकार पर जमकर सियासी बयान दे डाला। इस दौरान उन्होंने पूर्व सांसद धनंजय सिंह के ऊपर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि जौनपुर में सुना जाता है कि क्रिकेट बहुत अच्छा किया जाता है, यहाँ पर आप सभी लोग बीजेपी के सभी प्रत्याशी को क्लीन बोल्ड कर दीजिएगा। आप सब लोग उत्साह और तेवर देख के लगता है कि इन सब लोगों को भाजपा वालों को अब कोल्ड स्टोरेज में जाना पड़ेगा। लगता है जौनपुर में भाजपा वाले जुदी लगाकर भी दूर दूर तक अपना समर्थन का ढूंढने को भी सुना है। जौनपुर में क्रिकेट हॉक खेला जाता है, तो हम सभी युवाओं से कहेंगे कि इस बार भाजपा की पूरी टीम को क्लीन बोल्ड कर दीजिएगा। सभी से मैं कहूंगी एक बार दीपोली वहीं यूक्रेन से भारत पहुंचने वाले उत्तर प्रदेश के निवासियों को राज्य में पहुंचाने की व्यवस्था प्रदेश सरकार द्वारा की जाएगी। प्रदेश के स्थानीय आयुक्त यूक्रेन से वापस आने वाले प्रदेश के नागरिकों की सुविधा के लिए एयरपोर्ट पर काउंटर स्थापित करें तथा केंद्र सरकार और अन्य समस्त संबंधी से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित कराएं। यह आदेश जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूक्रेन में उत्पन्न आपातकालीन परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रदेश के विद्यार्थी व्यक्ति जो भी अभी यूक्रेन में हैं उन तक सहायता पहुंचाने के लिए विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय दूतावास कीव से समन्वय हेतु राहत आयुक्त एवं सचिव राजस्व विभाग श्री रणवीर प्रसाद को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। साथ ही प्रदेश में राज्य कंट्रोल रूम 24 घंटे सातों दिन स्थापित किया गया, जिसका टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। वहीं ईमेल भी जारी किया गया है ताकि जो भी जानकारी हो वो आसानी से पहुंचाई जा सके। वहीं मैनपुरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मोबाइल टावरों से बैटरी चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 शातिर अभियुक्तों को मुठभेड़ के बाद चोरी की बैटरी, नकदी, चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त कार और तमंचों सहित गिरफ्तार कर लिया है। मोबाइल टावर से चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का सरगना कासगंज का हिस्ट्री शीटर है। पुलिस ने विधिक कार्रवाई कर 4 अभियुक्तों को जेल भेज दिया। पिछले दिनों मोबाइल टावर से बैटरी चोरी की वारदातों की सूचना प्राप्त हुई थी। इस संबंध में फिर जनपद की सर्विलांस टीम और साइबर टीम प्रभारी और पूरी पुलिस की टीम लगी थी, तो उसके क्रम में इस तरह से पाया गया कि एक गिरोह है जो कि सक्रिय है और इन घटनाओं को अंजाम दे रहा है। बाद में फिर अपने विभिन्न तरीकों के माध्यम से इनके पास तक हमारी टीम पहुंची और इसमें एक राजेश जो कि कासगंज का रहने वाला है, नौशाद जो कि हापुड़ का रहने वाला है, आकाश एटा का और राहुल ये कासगंज का।
लोग के द्वारा ये 7 अदद बैटरी की चोरी की बैटरी, एक जो फोर व्हीलर गाड़ी जिसका यूज़ कर रहे थे, और साथ में जो आर्म्स सभी के पास से ये इलीगल तमंचे, और लगभग 26,300 रुपये जो चोरी का ये बैटरी, चोरी वाली बैटरी बेच करके पैसे कमाते थे, तो ये सब प्राप्त हुआ है। और जनपद की 4 घटनाओं का खुलासा जो कि एलाऊ थाने में, किसनी थाने में एवं अन्य 2 थानों में ऐसे घटनाएं किए थे, और इनके द्वारा बड़े पैमाने पर लगभग दिल्ली से लेकर के हरियाणा और कई अंतर राज्य जो है ये चोरों का गैंग है, जो कि टावरों से बैटरी चोरी करके और सस्ते दामों पर हरियाणा और दिल्ली के जो ठेकेदार उनको बेचता है। उत्तर प्रदेश भूतत्व और खनिक्रम विभाग के निदेशक डॉक्टर रोशन जैकब ने तहसील बेहट क्षेत्र में सरकारी खनन पट्टे एवं प्रस्तावित खनन पट्टों की जांच की। उन्होंने खनन अधिकारियों को नए होने वाले खनन पट्टों का प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए। खनन निदेशक डॉक्टर रोशन जैकब खनन जोन में गाँव बर्था कोसरी में स्थित सरकारी खनन पट्टे पर पहुंचे, जहाँ उन्होंने CCTV कैमरे, खनिज सामग्री के लिए जारी होने वाले रनवों को भी जांचा है। इसके बाद उन्होंने थाना मिर्जापुर क्षेत्र के लोदी बांस में प्रस्तावित खनन पट्टे सहित 2 अन्य खनन पट्टे जिन्हें एनजीटी की अनुमति नहीं मिली है उसकी जांच की। इस दौरान कई अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। थानाध्यक्ष मनोज चौधरी के नेतृत्व में SI रविंद्र धामा, कांस्टेबल विशाल शर्मा, मनजीत कुमार, कुलदीप सभी ने मोहन के जंगल में दून हाईवे स्थित डाटकाली मंदिर पुलिस चौकी पर चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध स्कूटर सवारों को रोककर चेक किया तो वो भागने लगे। पुलिस को संदेह हुआ तो पीछा करके पकड़ लिया गया। पकड़े गए दोनों युवक देहरादून के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से 4 स्कूटर और एक चोरी की बाइक, अवैध तमंचा और कारतूस, एक चाकू भी बरामद किया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। सपा MLC और सपा पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने 6वें चरण के चुनाव में साइकिल की रफ्तार और बढ़ाने के मकसद से पूर्वांचल के दौरे पर हैं। संत कबीरनगर पहुंचे सपा MLC राजपाल कश्यप का सपा नेता KD यादव ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान न्यूज वर्ल्ड इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में BJP सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता अब की बार साइकिल की सरकार बनाने जा रही है। वहीं सपा नेता KD यादव ने कहा है कि 6वें चरण के चुनाव में समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है। सपा MLC राजपाल कश्यप और सपा नेता KD यादव से खास बातचीत की हमारे सहयोगी हेमंत सिंह ने सुनी। 6वें चरण के मतदान को लेकर साइकिल की रफ्तार बढ़ाने के मकसद से सपा MLC राजपाल कश्यप जी जो है दौरे पर हैं पूर्वांचल के, और उन्हीं से जानते हैं कि 6वें चरण में साइकिल की रफ्तार कितनी तेज होगी। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में राजपाल जी आपका। क्या मानते हैं कि जो 6वें चरण की रफ्तार है, जो 6वें चरण का चुनाव, उसमें साइकिल की रफ्तार कितनी तेज रहेगी? 6वें चरण में BJP का पूर्ण रूप से सफाया हो चुका होगा और माननीय अखिलेश यादव जी की पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा सीटें आ चुकी होंगी। और अभी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5वें चरण में ही सफाया हो चुका है 5वें चरण तक, और 6वें का चुनाव हो जाएगा फिर तो कोई चुनाव थोड़ी ना है, फिर तो BJP पूर्ण रूप से सफाया हो। और ये पूर्वांचल पश्चिम में तो सफाया किया, और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की जनता तो योगी आदित्यनाथ तो BJP से नाराज है। जब पूर्वांचल हराएगी तभी असली हार होगी, और उत्तर प्रदेश ये पूर्वांचल की जनता तैयार बैठी है। जिस तरीके का उत्साह है मैं सुबह से देख रहा हूँ, जिस तरीके का उत्साह है इससे पूर्वांचल में पूरी तरह से सफाया हो जाए। मैं बस्ती होके आया हूँ, बस्ती में सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। हमारे संत कबीर नगर में सभी 3 की 3 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, और अब जनता लड़ रही है चुनाव BJP को हटाने के लिए, क्योंकि बढ़ी हुई महंगाई, बेरोजगारी, ध्वस्त कानून व्यवस्था, संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म किया जा रहा, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा, ये सब चीज़ें हैं। 5 चरण के चुनाव में अब तक कितनी सीटें समाजवादी पार्टी ला रही है? इतनी सीटें पा रही कि BJP दहाई में नहीं पहुँच रही है। BJP तो कह रही है कि हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत अच्छा गया है और सपा जो है बहुत पीछे है। तो क्यों फिर विकास की बात नहीं कर रहे हैं? क्यों डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं? क्यों अनाप शनाप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबके बयान देख रहे हो, भाषण देख रहे हो?
सब बौखलाहट में बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। और जिस तरीके से ये कह रहे थे गर्मी शांत कर देंगे, जब कड़कड़ाते की ठंडक थी तब बीजेपी ने, वो बीजेपी की गर्मी पश्चिम की जनता ने शांत की है। और पता है पश्चिम में तो, पश्चिम में तो पता है गर्मी शांत की है। अभी चौथा चरण हो चुका है, अभी पांचवा चरण, पांचवें चरण में तो अभी तो कपकपा रही है, और पांचवें चरण में तो चली जाएगी बीजेपी आईसीयू में, और सातवें चरण में बीजेपी को लगाना पड़ेगा वेंटिलेटर पे। क्या मान। तो ये हमारे साथ है राज्यपाल कश्यप जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब की बार जो है अखिलेश सरकार आ रही है और अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, और जनता जो है चुनाव लड़ रही है, ना कि समाजवादी पार्टी लड़ रही है। इसी मुद्दे पर बात करने हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के नेता के डी यादव जी। के डी यादव जी, आपसे जानना चाहते हैं कि छठे चरण के रण में साइकिल की रफ्तार कितनी तेज होगी। देखिए छठे चरण, अभी तो हम लोग चौथा चरण हुआ, पांचवा होने जा रहा है। ऐसी स्थिति में चौथे में तो बहुत शानदार जीत आई है भारतीय जनता पार्टी की, हालात बड़ी ख़राब है। वो लोग उनके जो है अपने प्रधानमंत्री तक इसको मान चुके हैं। बीजेपी खेमे में लग रहा है, अधिकारी भी समझ रहा है कि सरकार बदलने जा रही है, वो अच्छे सीटों से समाजवादी जीत करके आएगी। और इधर पूर्वांचल तो बहुत तेज़ी से सुधार भी हुआ है, और हर जनपदों में भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है, और नौजवान, व्यापारी, किसान, हर लोग खुद चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो ऐसी स्थिति में लगता है कि ये जो चुनाव होने जा रहा है 300 पार होगा समाजवादी पार्टी। क्या मानते हैं, योगी का गढ़ माना जाता है? योगी खुद परेशान है, गोरखपुर में उनका जहाँ पर, वहाँ उनसे हम लोग अच्छी सीटें जीतने जा रही हैं, अपने ही सीट पर वो परेशान है। और ऐसी स्थिति में अन्य जगह जहां पर अयोध्या की बात करते हैं, अयोध्या में वहां पर भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है, अयोध्या सीट प्रॉपर सीट से भी समाजवादी जीत रही है। तो ये थे के डी यादव जी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जिनका साफ तौर पे मानना है कि अब की बार जो है अखिलेश सरकार आ रही है, और जनता जो है समाजवादी पार्टी को वोट करने का मन बना चुकी है, और जनता आपकी समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी। कैमरा पर्सन मोहम्मद हुसैन के साथ सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, संत कबीर नगर। आगरा का रहने वाला एक और छात्र यूक्रेन में फंसा है। आगरा के बमरौली कटारा गांव का रहने वाला छात्र देवेंद्र सिंह बताया जा रहा है यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहा था। देवेंद्र सिंह ने वीडियो जारी कर यूक्रेन की कंडीशन बताई है, साथ ही साथ भारत सरकार से मदद की गुहार भी लगाई है। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है और मैं आगरा में बमरौली कटारा गांव से हूं। मैं इस समय यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हूं, और आप सब जानते हैं यूक्रेन के हालात अभी क्या हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है यहां पे, कुछ कह नहीं सकते हैं कब क्या हो जाए, नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा। अभी जस्ट 5 मिनट पहले हमारे सर के ऊपर से 2 फाइटर जेट निकल के गए हैं, और ये मान लीजिए कि बिल्कुल जान निकल गई थी हमारी, तो कि अभी क्या होगा हमें, हम जान नहीं सकते। मतलब ये है कि नेक्स्ट मोमेंट हमारे लिए बिल्कुल भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, हमें नहीं पता क्या हो सकता है इस टाइम पे। ना तो हमारी यूनिवर्सिटी कुछ कह रही है हमसे, ना ही एम्बेसी की तरफ से कोई रिप्लाई आ रहा है कि एवैक्यूएशन कराएंगे कि नहीं कराएंगे। एटलीस्ट हाँ बोलें या ना बोलें, यूनिवर्सिटी तो रिप्लाई दे ही नहीं रही है। अभी तक का उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, जब से वॉर की, जब से स्टार्ट हुआ है जब से, और अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और खाने तक भी अभी कोई, ये मान लीजिए कि हम भरा लिया था हमने 2-4 दिन का, तो 2 दिन तो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो खाना भी अभी इस टाइम पे इनफ ही बचा है हम पे, पता नहीं कब तक चलेगा, 1 टाइम या 2 टाइम का। बाकी यहाँ की कंडीशन इतनी ख़राब है कि घर वाले परेशान हैं हमारे, बार बार कॉल करते हैं, रोते हैं, तो हमें भी रोना आ जाता है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी, हमारी तरफ अभी तक कोई हेल्प ना तो मिली है, ना रिप्लाई तक नहीं आया। हेल्प तो बहुत बड़ी बात है, तो अभी हमारी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। अभी मेरे साथ 2 फ्रेंड हैं मेरे, हम 3 हैं फ्लैट में, तो बहुत कंडीशन ज़्यादा ख़राब है हमारी। ये मेरा फ्रेंड है शिवम, कंडीशन जो भी बता दें।
यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन है, कोई भी हमारा हेल्प नहीं कर रहा है। इतने सारे फॉर्म भरा दिए गए लेकिन किसी चीज़ का इवैक्यूएशन का कोई रिप्लाई अभी तक नहीं आया है। इधर बहुत ज़्यादा कंडीशन हालात ख़राब होते जा रहे हैं। और यहाँ पे जैसे सब देख रहे हैं कि पानी तक का भी हम कप्स में भर भर के रख रहे हैं और लाइक बाउल्स वगैरह में भर के रखे हैं पानी, क्योंकि पता नहीं कब पानी बिजली कब यहाँ से चली जाए। सामान वगैरह सारा हमारा यहाँ पे पैक है, पूरा सब पूरा पैक करके रखा है। लगेज का भी पता नहीं कितने बैगेज हमारे साथ में हम ले जा सकते हैं, कोई पता नहीं। तो स्टफ खाने वगैरह का थोड़ा थोड़ा हमने अपने अमरोहा शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फ्रेंड्स कॉलोनी के रहने वाले रवि कुमार किसी काम से लौट रहे थे। जब वो वासुदेव तीर्थ के बाहरी हिस्से में पहुंचे तो वहां पर पहले से मौजूद 3 अज्ञात बदमाशों ने उनके साथ लूटपाट की कोशिश की। तमंचे की नोक पर लूटपाट की कोशिश की गई। इनमें से एक बदमाश को रवि कुमार ने पहचान लिया, जिसकी वजह से हंगामा हो तो देख वो तीनों बदमाश वहां से फरार हो गए। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस के साथ साथ पुलिस ने शहर कोतवाली पहुंचकर कोतवाल अरविंद कुमार को तहरीर देकर वहाँ पर बुलाए पूरे मामले की कार्रवाई की मांग की है। हालांकि पीड़ित रवि कुमार को शहर कोतवाली पुलिस द्वारा रिसीविंग नहीं दी गई, लेकिन उसका कहना है कि वो पुलिस विभाग द्वारा चलाए जा रहे पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कराएगा। वहीं औरैया में युवक की दिनदहाड़े हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। गोली मारकर 25 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। खेतों में युवक का शव मिला, जिसके पास कारतूस भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि रात 9 बजे से युवक लापता था। दिन में काफी खोजबीन के बाद युवक का शव मिला। मौके पर काफी संख्या में भीड़ मौजूद रही। हालांकि हत्या के कारण का स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है। ये पूरा मामला देवियापुर थाना क्षेत्र के गहेसर गांव का बताया जा रहा है। बलरामपुर के अतरौला पहुंचे आईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। अतरौला के बद्री बाजार में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अतरौला विधानसभा से एआईएमआईएम के विधानसभा प्रत्याशी के लिए चुनावी जनसभा संबोधित किया। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी को सुनने के लिए लाखों की तादाद में वहां पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। आसमान में मंडराते विमान, सायरन बजाती सेना की गाड़ियों के बीच बार बार होते विस्फोट। यूक्रेन के शहर हाल्सिवर्का के एक हॉस्टल में बंद भारतीय छात्र धमाकों की दहशत में जी रहे हैं। इन्हीं छात्रों के बीच है मरहरा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी की बेटी गरिमा। वो गई तो थी जिंदगी बचाने का हुनर सीखने, लेकिन अब उसकी जान पर बनाई है। एटा मेडिकल कॉलेज में चीफ फार्मिस्ट के पद पर कार्यरत नरेश सिंह शाक्या। नरेश सिंह शाक्या के पुत्र अर्पित शाक्या, जो यूक्रेन की डीपनोर यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस 5वें साल के छात्र हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और अचानक रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला कर देने से यूक्रेन में ही फंस गए हैं। दोनों ही परिवार बेहद चिंतित हैं और लगातार मांग कर रहे हैं, भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें वापस वतन बुलाया जा सके। तो यहाँ इस टाइम मैं यूक्रेन में हूँ और मेरी यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब चल रही है, क्योंकि कभी भी यहाँ बम ब्लास्ट हो जाता है आसपास के एरिया में और कभी भी हम सायरन बज जाता है और हम लोगों को बेसमेंट में जाने के लिए बोला जाता है, क्योंकि हम लोग हॉस्टल में रह रहे हैं तो बेसमेंट हमारे लिए सेफ है, वहाँ पे हमको भेजा जाता है। बाकी यहाँ पे लाइट्स कट जाती हैं उस टाइम तो, और इंटरनेट भी प्रॉब्लम होता है उसमें भी, तो इसलिए हम लोग सिर्फ अपना फ़ोन रिचार्ज करा के रिचार्ज करके रखते हैं, जिससे कि हम अपने फैमिली को इन्फॉर्म कर सकें कि हम लोग सेफ हैं बस। बाकी लेकिन ये हम इतने सुरक्षित नहीं हैं कि हम चैन से बैठ सकें थोड़े टाइम तक, क्योंकि यहाँ पे कभी भी बम ब्लास्ट हो जाता है, कभी भी हम लोग को अचानक से आवाज़ सुनाई पड़ती है कि बम ब्लास्ट हो रहा है। से यही गुहार है कि हम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से इवैक्यूएट कराया जाए किसी भी माध्यम से, बट जल्द से जल्द हो ये सब, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ फंसे हुए हैं और जैसे मैंने पहले भी बताया कि बम ब्लास्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आसपास के एरिया में, तो हम जिस जगह रह रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा पास ही हो रहा है बम ब्लास्ट, तो हम सब लोग काफ़ी घबराए हुए डरे हुए हैं क्योंकि हम अपने घर से बहुत दूर हैं। न्यूज़ ऑन इंडिया की खास बातचीत में आज मौजूद है मेरे साथ डॉक्टर नरेश जी, जिनका बेटा जान बचाने की तैयारी में
देश छोड़कर दूसरे देश में तैयारी कर रहा था, लेकिन आज उसकी जान आफत में आ चुकी। बात करते हैं माँ बाप से कि क्या कुछ उनकी बात रखेंगे, क्या दर्द बयां करेंगे। सबसे पहले स्वागत है न्यूज़ ऑन इंडिया में सर आपका। आपके बेटे यूक्रेन में फंसे हुए, हाँ, कितने ईयर से वो तैयारी कर रहे हैं? 5 वर्ष से, 5वीं वर्ष हो रही है, 5 वर्ष से बेटा है यूक्रेन में, है ना। अभी इस समय जो युद्ध चल रहा है उसमें यूक्रेन की स्थिति इस समय बहुत ख़राब है ना। मेरा बेटा वहाँ फंसा हुआ है, सरकार से यही गुहार करते हैं कि उसे जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाए। आपकी लगातार उनसे बात चल रही है या नहीं चल रही? हाँ, बात चल रही है। कभी माहौल है वहाँ का? माहौल तो बहुत ही असंतोषजनक है। सुरक्षित हैं वो? फिलहाल तो जैसा बता रहे हैं सुरक्षित हैं, लेकिन तनावपूर्ण स्थिति बहुत है, काफ़ी कर्फ्यू लगा हुआ है ना। अपने वहाँ की सरकार की तरफ से क्या सुरक्षा बढ़ती जा रही है भारतीय से लोगों के लिए? ऐसा प्रयास है भारत सरकार का कि जो यूक्रेन में बच्चे फंसे हुए हैं उन सबको सकुशल सुरक्षित भारत वापस लाया जाए। आपने कुछ आला अधिकारी से इस पर चर्चा करी कि आपका बेटा इतना जो जान बचाने के जोखिम डालकर खुद की जान जोखिम में डाले बैठे हुए हैं, उनके लिए सरकार से अपील है, आपके जिलाधिकारी से क्या कुछ बात रही इस पर? सरकार से बात तो जो है, जो सार्वजनिक है वही चल रही है ना। उन्होंने आश्वस्त किया है कि सभी बच्चों को सकुशल वापस लेके आएंगे, है ना। लेकिन अब जब तक आते हैं थोड़ी अव्यवस्थाएँ तो हैं ही, है ना, तब तक इंतजार है। भाई ईश्वर से प्रार्थना है कि वो वहाँ जो है सुरक्षित रहे, सही सलामत रहे। ये मेरे साथ थे डॉक्टर नरेश जी, जिनका बेटा यूक्रेन में फंसा हुआ है, लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सुरक्षित हमारा सरकार हमारे बेटे को अपने देश लाए। न्यूज़ इंडिया एटा। यूक्रेन और रूस युद्ध शुरू होने के बाद वहां रहकर पढ़ाई कर रहे छात्रों के परिजन परेशान हैं। ये सभी छात्र यूक्रेन के टर्नोपल में फंसे हैं। छात्रों के परिजन उन्हें लाने के लिए 3 दिन से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। बच्चों की जिंदगी को लेकर भयभीत परिजन भारत सरकार से बच्चों को लाने की गुहार लगातार लगा रहे हैं। बच्चा मेरा आयुष्पाल, जो कि 3 वर्ष पहले यूक्रेन में गया हुआ था MBBS के लिए, और वो उस समय से, जैसे जब से ये लड़ाई का माहौल, इस तरह का ये वार के बारे में जानकारी हुई है, तब से बहुत ज़्यादा घर पर भी टेंशन रहती है। और दूसरी बात ये है कि बच्चे ने अभी जो बात की थी उसमें तो अभी तक सुरक्षित है, लेकिन मेरा कुल मिलाकर के सरकार से ये अनुरोध है कि हमारे यहाँ ही बच्चा एक नहीं है, हमारे यहाँ नगर से, गुरसाईगंज से लगभग में शायद 7-8 बच्चे होंगे, और जनपद से तो ज़्यादा बच्चे होंगे। तो इन सबको देखते हुए टोटल मिलाकर के ओवरऑल इंडियन स्टूडेंट लगभग 20,000 या 22,000 के आसपास समथिंग में यूक्रेन में हैं, जो बच्चे फंसे हुए हैं वहाँ पर बुरी तरह से। अब बच्चों के उसे जीवन से जुड़े हुए जितनी भी फैमिलियाँ यहाँ पर हैं वो भी परेशान रहती है किस तरह की घटना। तो फिलहाल में अभी तक जो बात की गई उसमें ये पता लगा कि बच्चे सही हैं। अब सरकार केवल ये करे कि ये बड़े कठोर कदम उठा करके और इनको उचित फेयर, जो ट्रिप है, फ्लाइट का चार्ज है, उचित चार्ज में इन बच्चों को वापस लाया जाए। आप बता रहे थे कि आपकी 2 बार फ्लाइट कैंसिल हुई? 2 बार मेरी, मैंने 2 बार क्लब फ्लाइट, जब ये माहौल मालूम हुआ था 2 बार बच्चे की फ़्लाइट करवा चुका हूँ, उसके बावजूद जैसे दोनों वो कैंसिल हो चुकी है, 1 20 तारीख की थी, 1 28 की थी। तो इस तरह से कुल मिलाकर के बात यह है, इस समय हम लोगों के ऊपर कुछ नहीं है। भारतीय लगभग 20-22 हज़ार जो नौजवान हैं भारतीय जो होनहार हैं, आप समझिए कि जैसे ये कितने परिवार और कितने उससे जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से इनका जीवन एक बहुत अंधकार और बहुत संकट की घड़ियों में है। तो उसे देखते हुए सरकार को बगैर किसी की पहल के, ये सरकार का उत्तरदायित्व भी है, सरकार से मेरा निवेदन भी है, और सरकार का अपना कर्तव्य भी है कि इन बच्चों को सुरक्षित उचित जो चार्ज है उनमें लाया जाए। अच्छा, आपकी लगातार कितनी बार बात हो चुकी होगी बच्चे से? आज ही बच्चे से बात बराबर हो रही है, लगभग 4-5 बार आज ही बात हुई, अभी 10 मिनट पहले ही बात। अच्छा, कस्बे के जो बच्चे लगभग 6-7 बच्चे हैं, अच्छा, ये आपस में क्या कनेक्ट हो पाए आपस में? नहीं, आपस में कोई कनेक्ट नहीं, केवल इनकी आपस में वहाँ बात हो जाती है, बाई फोन से बात हो जाती है, बाकी ये फिजिकली नहीं मिल पाते। जो कस्बे के बच्चे हैं वो भी सब सुरक्षित है? बहुत सुरक्षित है, सभी सुरक्षित है, जो बताया बच्चे ने तो वो सभी सुरक्षित है।
वहीं लखनऊ के जाहिरपुर गांव में भीषण आग लग गई। आग लगने से ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। दमकल की गाड़ियों के पहुंचने से पहले ही आरएमसी की तीन गाड़ियां बुझाने की कोशिशों में जुटे रहीं। आग लगने की सूचना पर पहुंची दमकल की तीन गाड़ियां तिपाल के प्लांट में आसमी झोपड़ी बनकर पूरी तरह से निवास करते थे। झोपड़ियों में रखी हुई सारी सामान जो है वो पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। गोडम्बा थाना क्षेत्र स्थित जाहिरपुर गाँव की पूरी घटना बताई जा रही है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहाँ पर झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। आसपास के लोगों ने किसी तरह से आग पर काबू पाने की कोशिश की, हालांकि आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। वहीं लखनऊ एयरपोर्ट पर तैनात कस्टम विभाग को बड़ी सफलता मिली है। कस्टम विभाग ने जब्त किया 1,30,00,000 का सोना। सोना लाने वाले 5 लोगों को कस्टम हिरासत में लिया है। दरअसल दुबई से सोना लेकर ये लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे थे। विमान संख्या FZ433 द्वारा दुबई से लखनऊ पहुंचे थे 5 तस्कर। सोने को पेस्ट के रूप में जींस की पैंट में छिपाकर ये एयरपोर्ट पहुंचे। कस्टम विभाग की सतर्कता से एयरपोर्ट पर धरे गए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ पर इंडिया के साथ।